हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप लोग। तो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा इस समय आपके माइंड में ये चल रहा है कि NFRA आ रहा है तो हमारा क्या होगा, एज अ स्टूडेंट हमारा क्या होगा, जो ICAI का प्रोफेशन है CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो प्रोफेशन है उसका क्या होगा। तो ये सारी बातें मैं आपसे बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। आपको पता चलेगा सारा का सारा फ्यूचर और ये आना चाहिए नहीं, क्या क्या होगा इसके आने से, मेरे अपनी राय क्या है, अभी मार्केट में क्या प्रैक्टिसेस चल रही है, क्यों पड़ी इसकी ज़रूरत और गवर्नमेंट को क्या क्या सुधार करने चाहिए, मैं बताऊंगा आपको सब कुछ डिटेल में। तो अगर आप CA कर रहे हैं या CA करने की सोच रहे हैं या फिर आप किसी भी तरह से इस प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, वीडियो को देखिएगा पूरा, बिल्कुल 100%। थोड़ा सा समय लगाएंगे, बहुत सारा ज्ञान पाएंगे, राइट। और देखना शुरू कर ही रहे हैं तो भाई जल्दी से वीडियो को दे दीजिए थम्स अप। टारगेट लगते हैं इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक्स का और बहुत सारे शेयर्स का। जितना शेयर करेंगे उतना ज़्यादा अवेयरनेस फैलेगी। तो अभी अभी ताज़ा खबर आई है सर, थर्सडे के दिन यानी कि 1 मार्च के दिन कैबिनेट यानी कि हमारे पार्लियामेंट में सर अप्रूव हो चुका है NFRA के जो रूल्स हैं वो ड्राफ्ट हो चुके हैं, मतलब उनको अप्रूव कर दिया गया है और अब बहुत जल्दी ही NFRA आ जाएगा। कहा जा रहा है कि 15 दिन के अंदर अंदर NFRA हमारे सामने होगा। NFRA है क्या और क्यों सर ऐसा चलने वाला है, ये क्या दिक्कत होने वाली है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी एक्चुअली में है क्या। सो बात ऐसी है कि सर इस वर्ल्ड में बहुत सारी अकाउंटिंग बॉडीज़ हैं। अकाउंटिंग बॉडी पहले जनरली सेल्फ रेगुलेटरी होती थी और फिर धीरे 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 जैसे जैसे स्कैम्स बढ़ते गए, दिक्कतें बढ़ती गई, अब अकाउंटिंग बॉडी के ऊपर भी एक बॉडी बनाई गई जो सर अकाउंटिंग बॉडी को रेगुलेट करती है, उसके डिसिप्लिनरी केस देखती है, उसके मेंबर्स ढंग से ऑडिट कर रहे हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें देखती हैं। और ऐसी बॉडी सर लगभग मैं आपको बता दूं कि जितनी भी बड़ी नेशंस हैं सबने बना दी है, कि इंडिया ही ऐसी मेजर इकोनॉमी बची है जहां पे ऐसी बॉडी नहीं है और अब इंडिया में भी होगी। मेरी राय भी मैं आपसे शेयर करूंगा, एज अ स्टूडेंट आप लोगों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि आपकी वैल्यू फ्यूचर में बढ़ेगी। लास्ट में गवर्नमेंट के बारे में बात करूंगा लेकिन अभी मैं आपसे बात कर लूं। तो लीजिए, इंडिया ने अप्रूव कर दिया है सर आपका NFRA और अब बहुत जल्दी ही ये क्या करेंगे, जिस बॉडी का काम किया है टू ओवरसी ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। अच्छा जी, ये सब आप देख रहे हैं कि भी बड़े बड़े फ्रॉड हो रहे हैं। अभी हमारे नीमो, आई होप आप समझ गए, मिस्टर नीमो ने फ्रॉड किया है लगभग 12,700 करोड़ को और मैं तो देख रहा हूं कि उस दिन से फ्रॉड्स निकले आ रहे हैं, कभी कैनरा बैंक, कभी कॉरपोरेशन बैंक, कभी कोई सा बैंक। तो अब सर NFRA का जो प्रोविजन है वो तो आ गए थे 2013 में, लेकिन ICAI की लॉबी इतनी स्ट्रांग थी, ICAI की जान पहचान कह लीजिए, ICAI की इतनी चलती थी कि भाई इन्होंने NFRA को आने नहीं दिया। अच्छा जी, ऐसा मैं नहीं, ऐसा ऐसे ही ब्लूमबर्ग का एक आर्टिकल बोलता है। एनीवेज, अब यहाँ पे देखिए कि NFRA क्या करेगा, इन्वेस्टिगेट मैटर ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट CA फर्म्स, इम्पोज पेनल्टी एंड डीबार द CA और अ फर्म अप टू कितना ईयर्स, 10 ईयर्स तक। जे बात, अच्छा मुझे इतने नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइएगा, ऑनेस्टली बताइएगा, इमोशनल होके नहीं, सच्चाई बताइएगा। अगर आप आर्टिकलशिप कर रहे हैं तो क्या आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब ऑडिटिंग के सारे नॉर्म्स फॉलो करते हैं, क्या वो सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। अगर आप आर्टिकलशिप कर रहे हैं तो मुझे बताइएगा क्या आपके CA कहीं ऐसा तो नहीं है, नाम मत लिखिएगा, कि अकाउंटिंग भी कर रहे हैं कंपनी की और ऑडिटिंग भी कर रहे हैं, उन्हें और कुछ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज भी दे रहे हैं, उनके सारा काम कर रहे हैं और साथ में ऑडिटिंग भी कर रहे हैं, मुझे बताइएगा। और तब आपको फील होगी कि सर ये बॉडी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। अच्छा जी, ओके, ICAI सर काफ़ी टाइम तक इसको अपोज करता रहा और सर गवर्नमेंट जो है इसको अभी तक नोटिफाई नहीं कर पाई थी। ICAI कौन है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है जो कि सर ट्रेनिंग, आप लोगों की बात चल रही है स्टूडेंट्स की, क्वालिफाइंग, इन सब चीज़ों पे ध्यान देता है और साथ ही साथ में लाइसेंस टू प्रैक्टिस जिसे हम CO भी बोलते हैं एंड रेगुलेटिंग देम इंक्लूडिंग स्क्रूटनाइजिंग द ऑडिट क्वालिटी। अगला होमवर्क आपको दे रहा हूँ, जरा ध्यान सुनेगा, आज तक ICAI ने कितने लोगों के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है। ICAI धीरे धीरे एक ऐसी बॉडी बनता गया जहां पे जान पहचान से काम होता है। आपको टीचर बनना है, जान पहचान होनी चाहिए, आपको खाने का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, जान पहचान होनी चाहिए, वेबसाइट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, जान पहचान होनी चाहिए। मुझे बोलने से डर नहीं लग रहा क्योंकि भाई ये बात सच है साहब, हमने खुद देखा है। अब क्या बताऊं कि सर कई, हर कोई नहीं, देखो हर जगह पे गलत लोग हैं, सही लोग हैं, शायद कुछ लोग इलेक्शन इसलिए लड़ते थे कि वो अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके ऑडिट ले आए, ठीक है साहब। अब ऑडिटर ही ऑडिटर की ऑडिटिंग करेगा, वाह 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 वाह, ऑडिटर ही ऑडिटर की ऑडिटिंग करेगा तो गलती कहाँ से पकड़ेगा, भाई भाई की गलती थोड़ा ना बताता है। बहुत कम डिसिप्लिनरी एक्शन लिए मोदी साहब जब 1 जुलाई को आए थे, आई एम नॉट अ मोदी फैन और मोदी भक्त, बट मोदी साहब जब 1 जुलाई को आए थे तो उन्होंने CAs को खरी खोटी सुनाई, उन्होंने बोला क्या सिर्फ इतने से ही CAs हैं जिन्होंने गोलमाल किया है, तो ICAI के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि ICAI वालों को भी पता था कि हैं तो बहुत सारे।
मुझे आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कितने सीएस को जानते हैं जो गोलमाल करते हैं, क्या आपने कभी देखा है कोई सीए ब्लैक टू व्हाइट कन्वर्ट करा होते होंगे। देखो मैं बोल रहा हूँ ना, हर फ्रेटर्निटी में हर तरह के लोग हैं, डॉक्टर अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, सीए अच्छे भी हैं सीए बुरे भी हैं, एक्ट्रेस अच्छे भी एक्ट्रेस बुरे भी हैं। तो मुझे आप लोग जरूर बताइएगा, और ये बात जरूर बताइएगा कितने सीएस हैं जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। अजी इनको पता भी नहीं है, आर्टिकल के भरोसे ऑफिस चल रहा है, आर्टिकल गूगल करके और वेबसाइट्स पे ढूंढ ढूंढ के बताता है, अरे सर ये तो ऐसे होना था। अच्छा जी आगे चलिए, अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल के आई है कि सर अरुण जेटली साहब ने नहले पे देला मारते बोला है कि जी आईसीआई विल कंटिन्यू टू एक्सेस दीज पावर ओवर स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी अभी डिफाइंड नहीं है, जो कंपनीज एक्ट वाली उसे छोड़ दीजिए, लेकिन जेटली साहब कह रहे हैं जी स्मॉल कंपनी में जो रेगुलर मैटर रहेंगे वो तो सर आईसीआई देखता रहेगा, यानी एनएफआरए इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस द डिसिप्लिनरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आईसीआई, रूटीन केसेस में आईसीआई ही काम करेगा, लेकिन लार्ज अनलिस्टेड कंपनी और लिस्टेड कंपनीज के केस में एनएफआरए काम करेगा। बहुत बढ़िया, आप लोग चाहते हैं स्कैम ना हो, आप लोग चाहते हैं नीमो जैसे लोग भागे ना, आप लोग चाहते हैं सर और बहुत सारी जो दिक्कतें हो रही हैं वो ना हो, और सर आप ये भी चाहते हैं कि सबको फ्री रखा जाए, तो दोनों चीज़ें एक साथ पॉसिबल नहीं है। और कुछ खास बात यहाँ पे ये पढ़ी, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, आईसीआई के विजन में लिखा है वर्ल्ड्स लीडिंग अकाउंटिंग बॉडी, डेवलपर ऑफ ट्रस्टेड एंड इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल विद वर्ल्ड क्लास कॉम्पिटेंसीज। जाके पढ़िए अगर इनकी वेबसाइट पर विजन 2030 लिखते हैं सर ये लोग। आओ तो वर्ल्ड ओवर मोर देन 50 कंट्रीज हैव मूव अवे फ्रॉम सेल्फ रेगुलेटरी प्रोफेशनल अकाउंटेंट बॉडी एंड क्रिएटेड इंडिपेंडेंट ऑडिट रेगुलेटर्स। अच्छा जी, इन इंडिया द मूव सेटअप अ न्यू ओवरसाइट बॉडी फॉर अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोफेशन वॉज अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट्री पैनल नियर 8 years अगो। हमने लॉबी कर करके उसको नहीं आने दिया। अब सुनिए समझदार लोगों की बात, ग्रैंड थॉर्टन का नाम आपने सुना होगा सर, नेशनल मैनेजिंग पार्टनर ग्रैंड थॉर्टन के मिस्टर विशेष चांडियोक बोलते हैं, इंडिया रिमेन्स द ओनली मेजर इकोनॉमी वेयर ऑडिट प्रोफेशन स्टिल कंसिडर्ड वॉट सेल्फ रेगुलेटेड। और सर ऑडिट की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या होती है, इंडिपेंडेंस। हम जिसके अकाउंट्स बना रहे हैं उसका ऑडिट नहीं कर सकते, तो हमारा ही भाई जब ऑडिट करके आ रहा है तो हमें उसका भी ऑडिट करने का हक नहीं होना चाहिए। मैं फुल फेवर में हूं एनएफआरए के, फुल फेवर में। अभी रुक जाओ, कंक्लूजन पे आएंगे। एनएफआरए आए, ऐसे लोगों को लेके आए, एमिनेंट पर्सनालिटीज को हेड बनाया जाए जो बिल्कुल चीटिंग में बिलीव ना करते हो, कहीं ऐसा ना हो कि इनके भी जो सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स हैं वही करप्ट निकले। ये मुझे एक टेंशन है, अगर ये हुआ तो फिर सर फिर तो जो हो रहा है होता ही रहेगा हमेशा के लिए, है ना। तो भाई अब एनएफआरए तो पक्का आ ही रहा है, बहुत सारे फ्रॉड्स हुए उसके चक्कर में, सर आएगा ही आएगा। और ये अमरजीत चोपड़ा साहब हमारे इंस्टीट्यूट के पास प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने एक बड़ी चिल्लाई बोली, पीएनबी केस वाज द फाइनल नेल इन द कॉफिन विच पुश द गवर्नमेंट टू अप्रूव एनएफआरए। मिस्टर अमरजीत चोपड़ा ने कहा, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ आईसीआई इन एन इंटरव्यू टू ब्लूमबर्ग। अब आप कितना भी रोक लीजिए ये आके रहेगा, और मेरे हिसाब से हम इसे पॉजिटिवली लेना चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या, मैं आपको गजब की चीज़ एक दिखाता हूँ यहाँ पे, फिर से मैं चांडियोक साहब को कोट करता हूँ, आई वुड एनकरेज द प्रोफेशन इन इंडिया टू वेलकम द एनएफआरए एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू एनहेंस द स्टैंडर्ड ऑडिट क्वालिटी एंड अबव ऑल वैल्यू ऑफ ऑडिट अटेस्टेशन एंड दिस विल रीस्टोर द फेथ ऑफ अ लेमैन ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स of everyone in the auditing profession in India once again. So let's welcome NFRA and let's try to raise our bar in the field of quality of auditing, in the field of accounting. Let's make it sure that every chartered accountant who is into auditing and accounting is following the highest standard of integrity. Okay. यहां तक तो साहब हमारी बात थी, अब सुनिए आगे की बातें। ऑन द सेम टाइम, एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहूँगा, गवर्नमेंट डियर गवर्नमेंट, आप अपने भी ऑफिशियल्स को सुधारिए। आरबीआई ने 9 साल तक उस पीएनबी की ब्रांच ऑडिट नहीं कराया जिसमें नीरव मोदी का 12,700 करोड़ का फ्रॉड पकड़ा गया। गलती सिर्फ आईसीआई की या सीएस की नहीं होती है, गलती पूरे सिस्टम की होती है सर। एंड आई पर्सनली सपोर्ट यू, आप गवर्नमेंट कुछ भी स्टेप लेती है हम तो सर पॉजिटिवली सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, मैं ही क्या बल्कि आपको मेजॉरिटी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का सपोर्ट मिलता है हर बार, चाहे वो आपका स्वच्छ भारत अभियान हो, चाहे आपका कोई भी और चीज़ हो, हमेशा हम आपको तो सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं। तो आप भी बस एक काम करें, अपना सिस्टम भी सुधारें, हमारा सिस्टम भी सुधारें, सिर्फ हमारी तरफ उंगली ना उठाएं, गलती तो सर आप लोगों की भी है। कैसे 9 साल तक सर ब्रांच ऑडिट नहीं हुआ, आरबीआई के रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बताइए। जेटली साहब आप आ गए थे 2014 में, तो थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आप भी ले लीजिए सर। तो बस यही है सर, एनएफआरए का मैं वेलकम करता हूँ, पॉजिटिव मूव है। सिर्फ सीएस को नाम लगाना गलत बात है, सीएस से मेरी रिक्वेस्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, भाइयों लेवल सुधारने का वक्त आ गया है। आप लोग अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, अपने काम करने के तरीके पे ध्यान दें, अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएं, अपने बोलने पर ध्यान दें, और
आप चीजों को टिप्स पे रखें, एक स्टैंडर्डाइज तरीके से काम करें और देखिए कैसे इस प्रोफेशन की वैल्यू में चार चांद लगते हैं। राइट गाइज, ये थे मेरे ओपिनियन। आपके क्या ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके ओपिनियंस का और इसे एक हेल्दी डिस्कशन के रूप में लीजिएगा। यहाँ पे कोई भी उल्टी सीधी बात ना करें और सिर्फ मुद्दे पे बात करें। राइट, ऑल द बेस्ट गाइज, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।